दोस्तों आपने रास्ता तो देखा होगा लेकिन ऐसा रास्ता नहीं देखा। देखिए क्या नज़ारा है इसी साइड के अंदर, बहुत शानदार है। एक थोड़ा चलने में दिक्कत तो आती है, वाहन आता है तब क्या होता है कि यहाँ इधर उधर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक जो अपने जो कश्मीर में और हिमाचल में आप बात करते हो, कभी हिमाचल जाएंगे कभी कश्मीर जाएंगे, तो क्यों जाना है कश्मीर हिमाचल, इसी रास्ते पे ही क्यों आ जाए। और कश्मीर का हिमाचल का इंटरेस्ट ले सकते हो आप। और देखिए ये साइड इसी में बहुत शानदार एक नज़ारा दिख रहा है जहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, और बहुत अच्छा यहाँ जो धूप होता है तो धूप में मतलब यहाँ छांव ही रहती है और ठंडक ही महसूस होती है धूप के अंदर। देखिए हमारे पीछे ये पेड़ कितने ऊंचाई में हो सकते हैं, देखिए आपको दिखते ही होगा। और बहुत शानदार है यहाँ, जो एक पर्यटक भी शर्मा जाते हैं यहाँ पर आने के बाद। मैं जहाँ दिखाने जा रहा हूँ वो हमारे राजस्थान के सीन है, कोई दूसरी जगह के नहीं है। ये सीन है वो हमारे राजस्थान के ही है। आप ये सोचते होंगे कि कहीं और कहीं के होंगे, लेकिन ये इसी जगह के है जहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बीकानेर ज़िले मान लो, चूरू ज़िले मान लो, इसकी लगभग ये सीमा पर ही है। देखिए बड़ा शानदार नज़ारा है यहाँ। जो वृंदावन बरसाने देखा होगा आपको, वहाँ पर जैसा मन लगता है वैसा की वैसा यहाँ इसी जगह पर मन लगता है, और बहुत अच्छे शानदार बहुत अच्छे शानदार जगह है। और यहाँ पर थोड़ी वाहन वगैरह आते हैं तब तो दिक्कत होती है, लेकिन बहुत अच्छा एक धूप भी महसूस नहीं होता है यहाँ पर कि अभी जो तापमान कितना है, यहाँ पर तापमान की भी गिरावट आ जाती है। और बहुत अच्छे शानदार, तो आपने करना क्या है कि इसी जगह के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और लाइक फॉलो भी करना है, सब्सक्राइबर भी करना है। अभी इस बराबर आ जाओ, बराबर आ जाओ, इनके दो भाई साहब है हमारे, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। और तो भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब जी, हमारे वीटी व्लॉग्स चैनल में आप रो बहुत बहुत स्वागत है। और आप कहाँ के रहने वाले हो? हम एमपी के रतलाम के। रतलाम के? हाँ। तो भाई साहब जी ये राजस्थान है, आप बहुत दूर आए ने? आए मजदूरी करने के लिए। मजदूरी करने के लिए? अच्छा अच्छा, तो मजदूरी मिलती है? मिलती है। अच्छा, मजदूरी मिल जाती है। हाँ। तो आपके सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि आपके एमपी में मजदूरी नहीं होती है क्या? होती है लेकिन अच्छा अच्छा कम होती है। कम होती है यहाँ राजस्थान में? ज़्यादा होती है राजस्थान में, ज़्यादा होती है। तो भाई साहब जी कितने सालों से आप यहाँ आते हो काम करने के लिए? दो साल से। अच्छा, काम परमानेंट मिल जाता है। अच्छा, तो भाई साहब जी अभी आप कहाँ जा रहे हो? यहाँ हम रह रहे हैं वहीं पे जा। अच्छा, वहाँ पर जा रहे हो। अच्छा, तो आपके एमपी में फसल है वो कौन सी होती है? हमारे होती है मक्का, होता है कपास। मक्का, कपास, सोयाबीन। अच्छा, सोयाबीन भी होते हैं यहाँ। जो फसल हो रही है वो आपके समझ में आ गई क्या? आई है थोड़ी बस आ गई। अभी थोड़ी गाड़ी आ रही है और गाड़ी यहाँ जाने के बाद मैं भाई साहब से बातचीत करूँगा। तो भाई साहब जी क्या नाम बताया आपका? हमारा बुरालाल। बुरालाल? बुरालाल, ये जो रास्ता दिख रहा है ऐसा रास्ता आप कहीं देखा होगा? नहीं देखा। हमारा भी दिल कर गया कि ये देखें, या राजस्थान में ऐसा नहीं है? सही बात है, ऐसा आपके यूपी में है? हमारे एमपी में नहीं। एमपी में नहीं? अच्छा अच्छा,
बहुत शानदार रास्ता है क्योंकि यहाँ पर धूप का भी महसूस नहीं होता है। अच्छा तो और यहाँ आप जब काम करते हो तो राजस्थान के लोग पसंद आ गए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके जो एमपी में, एमपी पे हो ना, एमपी में मतलब जो सिंचाई वगैरह होती है यहाँ जो ट्यूबवेल से होती है, तो वहाँ आपके जो क्षेत्र में कौन सा साधन है सिंचाई का? हमारा तो पानी नहर से होता है। नहर से पानी? नहर से। अच्छा अच्छा, नहर से पानी, ट्यूबवेल वगैरह नहीं होती है? ट्यूबवेल नहीं होती। अच्छा अच्छा, हमारे खेती में खुला पानी मतलब। अच्छा तो एमपी की सरकार है, जैसे राजस्थान सरकार है, ऐसे एमपी की सरकार आपके लिए जैसे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए क्या सहायता करती है? सहायता करती है ना? करती है। हाँ करती है। अच्छा, हमारे जैसे नहर है वो सरकारी है, पानी की व्यवस्था होती है। आप ये बताइए, बुरालाल नाम बताएंगे? हाँ बुरालाल, आप ये बताइए नाम मतलब मैंने थोड़ी परिचय बताइए कि जो सरकार से जो फायदे मिलते हैं, जो राजस्थान में भी मिलते हैं, तो आपके जो सरकार है वो किसानों को क्या क्या फायदा देती है? किसानों को मिलता है फायदा वो भाव पर, भाव है। जैसे कहीं भाव पर फसल का भाव मिल जाता। अच्छा, है अच्छा फसल का भाव मिल जाता है। तो मतलब यहाँ जो बिजली है, और बिजली में 100 यूनिट फ्री थी, और चिकित्सालय में व्यवस्था दवाइयों की भी फ्री थी राजस्थान के अंदर, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है? है, लेकिन बिजली दवाई फ्री नहीं है। दवाई फ्री नहीं है, बिजली फ्री। अच्छा बिजली फ्री है, दवाई फ्री नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने लोग यहाँ इस एरिया में आए हुए हो? से तो हम है बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तो हम 7 लोग आए हैं। अच्छा जगह जगह रहते हो? हाँ जगह। कितने कहाँ पर रह गए, कितने कहाँ पर रह गए? 8-10। गाँव कितने दिनों से जाते हो? गाँव हम जाते हैं 1-1.5 महीने, जब त्योहार वगैरह आ जाता है तब जाते हो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा शानदार बुरालाल आपने जानकारी देने के लिए। तो वीटी ब्लॉग से यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे जो एमपी के, बिहार के, यूपी के जो भाई आ रहे हैं जो मजदूरी करने के लिए, तो जो बाहर से लोग आते हैं उसको थोड़ी हेल्प करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी है कि हमारे भी भाई है और इंसान है। जय हिंद, जय भारत।